हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, कभी उनको अगर ऐसी बात आ जाए कि जो है वो क्यों श्रिंक हो रही है, तो अरल सी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सेंट्रल एशिया में हम लोग बाद में देखेंगे, सेंट्रल एशिया की तरफ है। अरल सी जो है वो फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी, लेकिन कॉटन कल्टिवेशन के वजह से हैवीली उसको जो है एक्सप्लॉइट किया गया और वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। उसी तरह यहाँ भी इरीगेशन के पर्पज के लिए डिफरेंट टाइप के यहाँ क्रॉप्स हैं, लेकिन यहाँ इरीगेशन के पर्पज के लिए उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इस तरह धीरे धीरे फ्रेश वाटर लेक जो है वो समाप्त होती जा रही है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कभी किस चीज से मेंस वगैरह का भी उत्तर लिखने में ये उदाहरण काम आ सकता है, इस पूरे इलाके में ये दिक्कत है। एक और चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कुछ स्ट्रेट्स हैं जो एग्जाम्पल स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह, और ये इसलिए बताया जाता है, ठीक है ये भूगोल का पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन इनका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चोक पॉइंट्स एक्चुअली ये हैं, ये चोक पॉइंट्स कहलाते हैं जियोपॉलिटिकल टर्म्स में, कि इनको अगर चोक कर दिया जाए तो फिर आगे कहीं कोई रास्ता नहीं है किसी के पास, बाकी सबके पास, तो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जैसा हो जाता है, ठीक है। सामरिक इसका महत्व हो जाता है, एक्चुअली रणनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये देखिए चोक पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। बाबल मंदब जो है ये इस यहाँ पर है, ठीक है, स्वेज कैनाल है ही, ठीक है। फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो हमारे इधर है, आपने देखा ही होगा मैप पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है पर्शियन गल्फ में जो जाती है वो हुआ, ठीक है। फिर डैनिश स्ट्रेट्स उधर की हैं, टर्किश स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, यानी वहां से यातायात को अगर बाधित कर दिया जाए तो सबका हालत खराब हो जाए, इस प्रकार की स्थिति है वहां पर, ठीक है। इसलिए जो इनको जिनके पास जिनके आधिपत्य में रहता है उनको एक एडेड एडवांटेज रहता है, इस बात को जाने रहिएगा, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स अगर देखने पे आ जाएं, जैसे आपको ये मैप दिख रहा है, अब देखिए इसमें जो आपका ये रेड सी है, अच्छा ये भी जान लीजिए कि ये जो क्या कहते हैं रेड सी है ना, रेड सी के जो दो भाग हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये जो दो भाग है यहाँ पर, स्वेज कैनाल वाला भाग ये है सिर्फ, ठीक है, ये जो है वो स्वेज कैनाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ अकबा कहलाता है, एक्चुअली गल्फ ऑफ अकबा, गल्फ ऑफ अकबा, अकबा गल्फ कहलाता है, और अगर मुझे ठीक से याद है तो जॉर्डन के पास जो जॉर्डन कंट्री है ना, जॉर्डन के पास अपना और कोई जो है वो पोर्ट नहीं है, एकमात्र जो पोर्ट इस तरफ है वो सिर्फ यही इसी इसी वाले इनलेट में है, और कहीं पे कोई पोर्ट नहीं है। तो पोर्ट तौफीक यहाँ पर मिलेगा आपको, पोर्ट सईद यहाँ पर मिलेगा, स्वेज कैनाल के दो जो है छोर हो गए वो, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा रास्ता हो गया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई, पर्शियन गल्फ वाला रास्ता हो गया, ठीक है। सारे देश आप एक बार देख ही रहे हैं, सारे कंट्रीज, इसमें किसी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आपको बोलना हो कि कौन कौन सा कंट्री पड़ता है पर्शियन गल्फ के हिसाब से अगर देखना हो, तो आपको बता, आपको इसमें तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ठीक है, ये यूएई हो गया और ओमान हो गया, ओमान का ये इलाका हो, ओमान यहीं तक है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान, इसीलिए इसको गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। फिर मान लीजिए ये वाला सवाल पूछ ले, ये सब मैप की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से पास होती है, कौन कौन सी कंट्री से, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा क्या कि इनमें से कोई देश ऐसा है जिसकी राजधानी या जिसके कुछ कुछ मुख्य शहर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कर्क रेखा पर उपस्थित है, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब जरूरी है, थोड़ा इस दृष्टिकोण से देख लीजिएगा, सब कुछ जो है संभव नहीं है इसको यहीं पर बता देना, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ मैं बताना चाहता हूँ वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हाँ, एक रिसोर्सेज वाला एस्पेक्ट रह जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हैं, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं कि जो है ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा जो है वो हब माना जाता है, इस चीज को आप जानते ही हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस का मोर देन हाफ ऑफ द ऑयल एंड मोर देन 40% ऑफ द नेचुरल गैस रिजर्व्स आर विद दीज कंट्रीज, तो ये बात आप अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। मुख्य रूप से जो है वो कहाँ है, वो अगर देखा जाए उनका वितरण, तो वितरण के मामले में वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मैं भूगोल के हिसाब से बता देता हूँ, राजनीतिक रूप से आपका काम है देखना कि कौन कौन से कंट्री के पास कितना रिजर्व है। भूगोल के हिसाब से, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये जो भी ये मुख्य नदी जो रिवर बेसिन्स है ना, ये रिवर बेसिन्स और जो इन सभी कंट्रीज के कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं,
क्या आप लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में जानते हैं? हल्का सा कभी देख पढ़ा है? यस सर। मैं इसको पिक्चर में ही दिखा देता हूं तो आपको जल्द आसान हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ दरअसल वो भाग, ये देखिए दिखा रहा है, बहुत अच्छे से बता रहा है कि समुद्र का वो भाग, अपने धरती का भूखंड जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पर कंट्री खत्म हो गया, ठीक है, उसकी बेसलाइन हो गई। अब उसके राइट साइड में देखिए, जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिख रहा है, ठीक है। क्या आप लोगों को आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? और मैं कोई और हाँ, साफ चित्र हो तो वो देख लीजिए आप, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो है अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट, न केवल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसका बहुत महत्व होता है, ठीक है। ये देखिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इलाका इसमें साफ साफ दिए हुए हैं। अब कोई शक शुभा ही नहीं रह गया आपको। तो जहां पर से समुद्र एकदम से गिरना शुरू होता है ना, बहुत गहरा होना शुरू होता है, उसके ठीक पहले से लेकर और जो कोस्ट लाइन है वहां तक का इलाका जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, उतना गहरा नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो इन इलाकों में बहुत, ये बहुत रिसोर्स रिच होते हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि जो जब जैसे ही सागर शुरू हो गया तो वहां पर पतला हो जाता है ना क्रस्ट, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको कि क्रस्ट जो है वो मोटी लिथोस्फीयर जो है उधर मोटा रहता है जो है कॉन्टिनेंटल लैंडमास में, और जब सागर की तरफ आते हैं तो पतला होता जाता है। तो उसमें जो है बहुत आसानी से और बहुत सारी प्रचुर मात्रा में जो है हमको संसाधन मिल जाया करते हैं। तो एक नदी बेसिन एरिया में कौन कौन से जो है वो ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक नजर ये देख लीजिएगा, और फिर इसके बाद सीधे ये देख लीजिएगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के हिसाब से मेजर कौन है। जैसे, और मैं बता दूं कि ये सब न्यूज में रहा है बहुत हाल फिलहाल में, क्योंकि यूएस और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सबको आइडिया है थोड़ा सा, यूएस ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसके पीछे कारण क्या है वो अभी तुरंत बताता हूं मैं, लेकिन ये जान लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें कभी यूएस जो है वो अटैक कर दे रहा है, कभी ईरान हिजबुल्ला अटैक कर दे रहा है, कभी कोई अटैक कर दे रहा है। तो ऑयल रिफाइनरीज पर भी अटैक रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक ऑयल रिफाइनरी के अटैक को ही लेकर अभी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक जो है लीडर भी मारे गए, कमांडर भी मारा गया, एक बहुत बड़ा टॉप सेकेंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कमांडर जो थे वो मारे गए, उनका असैसिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज अभी हम देखेंगे, लेकिन ये आपका काम है, होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि आप मुख्य मुख्य जो रिफाइनरीज हैं उसको आप हमें ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सी मुख्य रिफाइनरीज हैं। इराक, ईरान, जैसे आपने जो है इसका किरकुक नाम सुना होगा, KIRKUK, काफी न्यूज में बना रहता है, ठीक है। तो किरकुक हो गया, उसके बाद जो है यावादरान हो गया, यादावरण हो गया, और कौन सा है, आजादेगान हो गया, ऐसे ऐसे नाम है। तो मुख्य कुछ ईरान के इम्पोर्टेंट है और कुछ जो है वो अपना इराक के इलाके के, कुछ सऊदी अरेबिया के। तो सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया में नाम लिख देता हूँ मैं, आप इसको बाद में देख लीजिएगा, मुझे याद आ रहा है घावर करके या अल घावर करके ऐसा नाम था, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है, न केवल वहां की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। तो इस प्रकार का थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि इस इलाके की मुख्य रिफाइनरी कौन सी है। और क्या बता सकते हैं संसाधन के मामले, फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर संभव है नहीं बहुत अच्छे से, मतलब उस प्रकार का एग्रीकल्चर संभव नहीं है जो है वर्षा के जल पर जो निर्भर हो, या जल में जिसका आधिक्य लगता हो, उस प्रकार का एग्रीकल्चर यहाँ नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी यही तो मजे की बात है, इसराइल ने जो है उसमें क्रांति की हुई है। आप सब जानते हैं कि नई नई तकनीक जो है वो लेकर आया, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ये सब टेक्निक्स जो है, इंडिया भी उसका फायदा उठा रहा है। इंडिया का इनफैक्ट इसराइल के साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर एक पैक्ट भी है, एग्रीमेंट भी है, यहाँ से भी किसान जाते हैं, आदान प्रदान होता रहता है जो नॉलेज का। तो इसको करंट अफेयर्स के तौर पे पढ़ लीजिएगा। एक चीज मैं जरूर बता देना चाहता हूँ, कहीं अलग से ना पूछ ले, मुझे ऐसा ध्यान आता है कि ईरान और अफगानिस्तान में एक टेक्निक यूज की जाती है, वो टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ों में भी वाटर टेबल ऐसे चलता है, देखो जो वाटर टेबल जो है ना वो ऐसे चलता है, वही स्वरूप वाटर टेबल जो होता है वो भी ले लेता है। ठीक है, मान लीजिए ये इसको ब्लू कलर से भर दीजिए, पानी है ये मान लीजिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ओपन नहर खोदने की बजाय वो जानते हैं क्या करते हैं, वो यहां से अंडरग्राउंड कैनाल बनाएगा,
इस प्रकार से अंडरग्राउंड कैनाल बना के यहाँ निकालेगा पानी। तो कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? अंदर क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि नहीं तो इवेपोरेशन लॉस, वाष्पीकरण से का ह्रास हो जाएगा, पानी सब उड़ जाएगा, वहां पहले से ही पानी कम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम माना जाता है। इसका नाम जो है वो कनत कहते हैं इसको, कनत सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ये इरिगेशन। ठीक है, ये ईरान और अफगानिस्तान में प्रचलित है, जाने रहेगा। अंडरग्राउंड कैनाल का सिस्टम क्या कहलाता है तो बोल दीजिएगा कि ये कहलाता है और यहाँ पाया जाता है। बस ऐसे जानकारी के लिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है, जानना जरूरी है। कि क्लाइमेट अगर पूछा जाए तो क्लाइमेट कैसा है दोस्तों, यहाँ पर इस एरिया में कैसा क्लाइमेट होगा? ये जो सागर है क्या कहलाता है, जो समुद्र है? अभी हमने वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी आपको हल्का सा बस बता देता हूँ कि ये मेडिटेरेनियन है ना, तो यहाँ इसके चारों, इसके आसपास का जो इलाका है उसको ये बहुत जो प्रभावित करता है। इस इलाके में के जो लोकल फैक्टर्स हैं वो भी प्रभावित करते हैं और सीजनल साइकिल्स भी प्रभावित करते हैं। इस तरह के क्लाइमेट को मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहा ही जाता है इसी के नाम पे। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का खाली एक चीज अभी फिलहाल याद रखिए, बाकी सब अभी बाद में बताऊंगा जब हम क्लाइमेट पढ़ रहे होंगे, कि यहाँ विंटर में रेनफॉल होती है, समर में नहीं, हमारी तरह नहीं, मॉनसून सिस्टम नहीं, विंटर में रेनफॉल होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है कि विंटर के जो रेनफॉल है उसको वही उसी से काम चलाना पड़ता है सारा। तो यहाँ पर इस इलाके के आसपास साइट्रस फ्रूट्स जो है ना, जो संतरा नारंगी टाइप के जो पौधे, ये जो फल है, साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, वो उनका बहुत प्रचलन है, तो यहाँ पर अच्छे से उग जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इलाके, जितने भी बाकी इलाके हैं वो सारे जो है वो एरिड और सेमी एरिड एरियाज हैं, वो शुष्क टाइप के एरियाज हैं जो वो, और इसलिए वहां पर जो है सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, उससे थोड़ी बहुत खेती हो जाती है। और एग्रीकल्चरल लैंड की यहाँ पर शॉर्टेज है, वाटर की शॉर्टेज है, आप समझ सकते हैं। अब आपका होमवर्क रहा कि यहाँ इसके कौन से देश में कौन सी चीज का जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कभी आप सोचेंगे भी नहीं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में जो है वहां से शहद वहां का बहुत मशहूर है। फिर देखिएगा कि खजूर कहाँ का मशहूर है। ठीक है, फिर ईरान में आप जानते हैं, ईरान में क्या जो है पिस्टैशियो वगैरह, पास्ता वास्ता टाइप के जो नट होते हैं, उस तरह के जो है वो वहां पर उगते हैं बहुत सारे। तो इस तरह आप देख लीजिएगा कि कौन से वहां पे किस प्रकार का फ्रूट्स जो है वो उग रहा है, किस प्रकार की फसल उग रही है, उसका कारण आपके सामने है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक चीज और बता देता हूं मैं, नई जो टेक्निक्स हैं, नई टेक्निक्स एग्रीकल्चर और इरिगेशन टेक्निक्स के नाम पर एक शब्द बार बार आ रहा है, मैंने कई जगह आंख के सामने से पढ़ गया है, उसको सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। सॉइल सोलराइजेशन, इस पर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सॉइल सोलराइजेशन में क्या होता है जल्दी से बता देता हूँ, इससे आपका बहुत मल्टीपर्पज 360 डिग्री कवर हो जाएगा। मैं हाँ, अगर इसका कहीं वही मिल जाए तो मजा आ जाए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी ना, चित्र ही मिल जाए तो बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा, शायद कहीं देखा हो कि जो है बरसाती से जो है ढक दे रहा है मिट्टी को और सिर्फ पौधा बाहर निकला हुआ है। किसान लोग जो है सॉइल सोलराइजेशन, ये देखिए ऐसे देख, अभी कुछ को ध्यान आ रहा है, हल्का सा कहीं ना कहीं नजर पड़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, सॉइल सोलराइजेशन में होता क्या है दोस्तों, कि जितना पौधा भर का क्षेत्रफल है ना, पौधा अपना सूरज का रोशनी ले ले सारा जो उसको लेना हो। ठीक है, लेकिन जो सॉइल है अगर उस पर भी सनलाइट पड़ती रहेगी तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, उसकी आर्द्रता चली जाएगी। तो इस प्रकार से मॉइस्चर को पैक कर लेते हैं अंदर ही, मॉइस्चर को नहीं उगने देते हैं, सॉइल सोलराइजेशन की टेक्निक कहलाती है। बस ज्यादा इस पर नहीं बताएंगे, आपका काम है, मेरा काम है हल्के हल्के से बता देना कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, भाग जाते हैं फटाक से, उसको सम अप कर देते हैं पूरे के पूरे को जल्दी से, फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर इस पर बनाया जा सकता है। स्वेज कैनाल के बारे में काफी जान चुके हैं आप, मैं हल्का सा आपको यहाँ जिस वजह से ये इलाका न्यूज में रहता है उस पर थोड़ा सा जानकारी कर लीजिए, बहुत ब्रीफ में, बिल्कुल इलेबोरेट नहीं कर सकते क्योंकि स्कोप नहीं है उसका। तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि सबसे ज्यादा इसराइल और फिलिस्तीन के आपस में जो लड़ाई है उसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको हल्का सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, न्यूज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ
कि हुआ क्या है इस क्षेत्र में, क्या हुआ है दोस्तों, पहले जो है ना जूस तो बहुत अलग अलग कंट्रीज में सब जगह फैले हुए थे, ठीक है, सब जगह वो रह रहे थे अपना, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, उनका कई बार प्रोसिक्यूशन हुआ है, ठीक है, उनको कई बार जो है अस्तित्व का संकट आता रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो अस्तित्व का संकट शुरू हुआ, जो जहां से हमको शुरू करना चाहिए, डिटेल में बहुत जा सकते हैं क्योंकि अच्छे से पढ़ा है मैंने इसको, मेरा इंटरेस्ट का एरिया थोड़ा सा है, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही थोड़ा गहमा गहमी शुरू हो गई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आया तो मैटर और जो है बढ़ गया। यहाँ पर असली गेम जो होता है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर चीज है, त्रिकोणीय है, समझिए, एक तो शिया सुन्नी का आपस में बवाल चलता रहता है, और जो तीसरा कोण है वो है इसराइल। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी आगे समझने में, ठीक है। तीसरा जो कोण है वो इसराइल है। तो शिया सुन्नी में क्या मुख्य मुख्य बात बता देता हूँ, जितनी भी शिया कंट्रीज हैं, ठीक है, इसी को जाने आप कि जो शिया कंट्रीज हैं उनका जो लीडर है वो ईरान है, ठीक है। शिया कंट्रीज जो है दे आर लेड बाई ईरान, जो अपने आप को उनका लीडर बनता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ देखेंगे जो सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी कंट्रीज को सऊदर जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो उनको लीड करता हुआ दिखता है। अभी नया नया उभर रहा है जो है, आप जानते होंगे अगर आप न्यूज देखा होगा तो नया नया जो है वो उभर जो आ रहा है, ये जॉर्डन वॉर्डन टाइप की कंट्री जो है ये सब भी उसी उसमें लीग में आती जा रही है, ठीक है। ये सुन्नी वाली कंट्रीज है सब, सऊदी अरेबिया हुआ, यमन, ओमान जो कि नीचे ही है, देखते जाइए मैप देखते जाइए, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यमन, ओमान, ये सब जो कंट्रीज है, जॉर्डन हो गया, ठीक है, ये सब सुन्नी वाले हैं, और जो ये है ये ईरान जो है वो अकेला संभाले हुए शिया के साइड से, ठीक है। तो जो है शिया ही है, जो ये हिजबुल्ला नाम सुनते होंगे आप ना, तो हिजबुल्ला जो संगठन है उसको ईरान का ही जो है बिहाइंड द कर्टन का सपोर्ट है, कायदे से सपोर्ट किए हुए है, ईरान उसको सपोर्ट करता है, इस चीज को ध्यान रखेगा, उन दोनों में आपस में चलता रहता है बवाल, ठीक है। तीसरा एंगल आता है इसराइल का, जूश जो है उनका एंगल आता है तीसरा, ये आके यहाँ बस गए हैं और हमारे जो मूल निवासी थे उनको जो है भगा दिए हैं, पैलेस्टीनियंस को यहाँ से खाली कर दिए हैं। तो हुआ ये है कि वर्ल्ड वार का जो वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश वगैरह की जो सेना थी ना, ब्रिटिश जो एक तरफ से ब्रिटिश के साइड में थे, ब्रिटिश हो गया और अंदर अंदर से यूएस जो हो गया, ये सब लोग जो थे इनको जूश ने बहुत सपोर्ट, जहां भी वो थे जिस जिस कंट्रीज में थे उन्होंने जूश का बहुत सपोर्ट मिला। तो उससे हुआ क्या कि जब उनको अलग अलग देशों में प्रताड़ना मिल रही तो यूके वगैरह ने थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट किया, जूश को सपोर्ट किया और कहा कि हम आपको जो जायनिस्ट जो इनका आंदोलन है उसको जायनिस्ट यहूदी या कुछ ऐसे बोलते हैं, ये जायनिस्ट आंदोलन बोलते हैं। अब इस आंदोलन का मूल जो मंत्र है वो ये है कि विश्व में हम जहां कहीं भी पड़े हों लेकिन अंततः हमको आना है अपनी मदरलैंड में, जेरूसलम जो हमारा होली सिटी है, पवित्र जगह है, और हमको वहीं उसी के आसपास आके बसना है, हमारा अपना खुद का घर होना चाहिए, जूश का अपना घर होना चाहिए, ये उनका कुल मिलाकर मूल आंदोलन का जो है वो सूत्र वाक्य है, ठीक है। तो जेरूसलम में आने के लिए फिर सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जो वहां के उस समय के विदेश मंत्री थे, ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, ठीक है, बेलफोर नाम था उनका, इफ आई एम नॉट दिस थिंग रॉन्ग, ठीक है। तो बेलफोर ने जो है एक ओपन लेटर लिख दिया, एक पत्र लिखा कि जूश को हम प्रॉमिस करते हैं, ये 1917 की बात है, जूश को प्रॉमिस करते हैं कि उनको इस एरिया में घर दिया जाएगा। किस एरिया में, लाइए अब मैप पे आ जाते हैं, अब काम का चीज आने लगा कि हम जो है उनको इस इलाके में घर देंगे। ये वाला इलाका खाली देखिएगा अभी, ये अच्छा ये पहचान पा रहे हैं ना कहाँ है ये, इसको पहले देख लीजिए, ये इसराइल ये है ना, हाँ भूलिएगा मत कि कहाँ पे है ये वाला इलाका है, इसी को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये इलाका, इसको जो उन्होंने कहा कि हम इसको करके दिखाते हैं, हम आपको बसने में मदद करेंगे, हम आपको वहां पहुंचाएंगे, इस तरह का हुआ। तब फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जो ओटोमन साम्राज्य था यहाँ पर, ओटोमन साम्राज्य पर जो है वो विजय हो गई, ओटोमन साम्राज्य हार गया, उनके हाथ से यह इलाका ब्रिटेन के पास आ गया, ठीक है, ब्रिटेन वगैरह के पास आ गया। उन्होंने फिर इसको इसीलिए उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है आइए हम सब आपको बसा देंगे इसी यहाँ पर। इस प्रकार से धीरे 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 लोग आने लगे, आधे लोगों के मन में ये था कि जो है जाए कि ना जाए, फिर और धीरे धीरे कुछ लोग हिम्मत करके यहाँ पर आके जूश जो है वो बसना शुरू किए, ठीक है। उसके बाद जो नियत जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन जो साबित हुई, ठीक है, ताबूत की कील जो साबित हुई असली, वो हुआ जर्मनी में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, जर्मनी में जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया गया, 6 मिलियन अंदाजा कहता है 6 मिलियन जूश को जो है कंसंट्रेशन कैंप वगैरह में सब करके मार दिया गया,
इस प्रकार से जो है जब जब ये हुआ तब लोग वहां से फिर प्लान किया कि हम जाएंगे अपना खुद का राष्ट्र बनाएंगे, इस प्रकार की भावना से वो लोग जो है पैलेस्टीन में सेटल करना शुरू किया। और धीरे धीरे देखिए ये चित्र इसीलिए दिया है, अल जजीरा चैनल से लिया है मैंने ये फोटो, कि कैसे वो ये इस प्रकार ये हालत था। इस पीला जो है वो फिलिस्तीनी लोग थे जो वहां के मूल निवासी थे, फिलिस्तीनी लोग वो पीले, और नीले जो है वो है ज्यूइश। धीरे 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 उनका ज्यूइश आके बसना शुरू किए, नीले नीले नीला बढ़ता गया और फिलिस्तीनी जो है वो सिमट गए। तो फिलिस्तीनी सिमट गए कहाँ कहाँ, गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में। इसीलिए मैं कह रहा था कि इन दोनों को जो है इन दोनों एरियाज को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है और वेस्ट बैंक का एरिया है सिर्फ यहीं पे फिलिस्तीन बचे हैं, और यहाँ भी जो कई जगह पर मिक्स्ड कॉलोनीज हैं, इजरायली भी बसे हैं वहां भी, वो उसकी स्वतंत्रता को लेकर। और ये है वो सिटी जेरूसलम वाली सिटी है, ये होली सिटी है, तो इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण मानते हैं, ये भी महत्वपूर्ण मानते हैं उसको अपने लिए धार्मिक रूप से, है कि नहीं है। तो इसलिए ये लड़ाई जो है चलती चली आ रही है। देखो अब देखो जेरूसलम कितना क्लियर हो गया, जो मैंने जेरूसलम की बात कही थी अगर आप इतिहास से जोड़ दीजिए, सौर ने बताया है कितना क्लियर हो गया कि जेरूसलम तीन धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण प्लेस क्यों है। ये देखिए अगर अब आप दिमाग से कभी नहीं जाएगा कि जेरूसलम तीन महत्वपूर्ण धर्म के लोगों का प्रदेश क्यों है, और जब भी सवाल अगर जेरूसलम पे आएगा इसी पर सवाल आएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन जो धर्म है ज्यूस है क्रिश्चियनिटी है मुस्लिम है, ये तीनों के लिए होली सिटी हो गया। थैंक यू सर। सर तो ये जो बहुत ही ब्रीफ में जितना ब्रीफ में हो सकता है उतना ब्रीफ में इसकी जो ये इस प्रकार से हिस्ट्री हो गई, ठीक है। पहले सिर्फ 10% जैसे ही जूस थे और अब उन्होंने पूरा उनको जो है वो बाहर कर दिया है। और ये इन्हीं दोनों के बीच को लेकर जब भी लड़ाई होती है घूम घुमा के, कुछ कंट्रीज पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में, कुछ कंट्रीज जो है वो इसराइल के सपोर्ट में, यूएस जैसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इस प्रकार से कई अरब इसराइल संघर्ष होते रहे हैं। अरब इसराइल संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, वो मैं नहीं आपको बता सकता इतने कम समय में, भूगोल के हिसाब से नहीं बता सकता। आप पढ़ेंगे उसको, नहीं पढ़ेंगे तो मुझसे बोलेगा, मैं सर से प्रार्थना करूंगा, हम लोग फिर उसे वापस उसको समझेंगे। फिलहाल एक एक वार जरूर आप अच्छे से याद रखिएगा जिसे सिक्स डे वार कहते हैं, छह दिन का युद्ध वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसराइल ने जो है बुरी तरह से सबको जो है परास्त किया था, वो आप उसको ध्यान रखिएगा। सिक्स डे वार जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस चीज को आप खाली ध्यान रखिएगा। फिर जो है इस समय का ट्रेंड दो लाइन में खाली बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स आपका पढ़ने का जिम्मेदारी है, ध्यान से सुनिए। इस समय जो लेटेस्ट ट्रेंड हुआ है, एक फ्रेज लिख लीजिए, अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौता, आपकी जिम्मेदारी इसको डीप डीप में पढ़ने का, क्योंकि अभी समय नहीं ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ाने का। जल्दी से बता देता हूँ मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ। धीरे धीरे क्या हुआ है कि इसराइल चाहता है कि इतना युद्ध हो चुका है, दोनों साइड एक्चुअली अंदर से चाहते हैं कि इतना अधिक युद्ध वगैरह खून खराबा हो चुका है, क्यों ना हमारे रिश्तों में थोड़ी नॉर्मलसी ले लिया जाए, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो जाए रिलेशनशिप, जैसे ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है, ठीक है। देर आर नो मोर, जैसे कहते हैं ना कि देर आर नो मोर नेशंस माई डियर फ्रेंड, देर आर ओनली इकोनॉमिक रियलिटीज। अब नेशंस वगैरह का कॉन्सेप्ट भी जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, जो है हम राष्ट्र हैं कुछ नहीं, अब सिर्फ आर्थिक जो है वो आर्थिक एंटिटीज हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज रह गई हैं बस। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए लोग चाहते हैं कि बिना सोवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हुए हुए क्यों ना थोड़ा बहुत हम लोग जो है आपस में समझौता कर लें, ठीक है। तो उसमें जो है पीस ट्रीटी हुई भी है, जैसे इजिप्ट और जॉर्डन ने पीस ट्रीटी की हुई है ऑलरेडी काफी समय पहले, 25-30 साल पहले पीस ट्रीटी हो गई है उनके बीच में, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया जो है इसमें सन्नाटा मारे हुए है, कुछ नहीं बोलता है, जबकि कुछ देश इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसराइल अगर चाह रहा है संबंध अच्छा करना तो क्या दिक्कत है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जो है बहरीन है, कतर है, बहरीन और कतर जैसे जो देश हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए तीन तरह के लोग हो गए देश, एक जिन्होंने ऑलरेडी ट्रीटी किया हुआ है उनको हटा दीजिए, अब तीन तरह के बचे, जो लोग इसराइल के दोस्ताना हाथ के सपोर्ट में है वो बहरीन और कतर जैसे देश हैं, जो लोग उसके अगेंस्ट है कि नहीं इससे कोई दोस्ती नहीं होगा वो ईरान वाले हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो है ईरान हो गए, सॉरी बहरीन और ओमान, याद रखिएगा वहां पर बहरीन और ओमान है जो लोग सपोर्ट कर रहा है, और ईरान कतर और तुर्की जो है वो उसके अगेंस्ट है कि नहीं नहीं ये सब नहीं, कोई जरूरत नहीं। और सऊदी अरेबिया भी साइलेंट है, अपना पत्ता नहीं खोल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्मार्टली वो प्ले करेगा इस कार्ड को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से डेवलपमेंट रिसेंट हो रहा है। ये न्यूज में क्यों था अगर आपको ध्यान हो तो, ये चीज क्यों न्यूज में थी जो है समय समय पर जो क्या होता रहा है कि
दो तीन एसेसिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एसेसिनेशन हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि अभी एक बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं जो उनका वो भी आया था, एक आर्टिकल भी आया था, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मारा गया है कमांडर, उसका नाम मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, पते सुलेमान, सुलेमान, यस यस सुलेमान फतेह ही नाम था क्या, न्यूज में पढ़ा था, एक्चुअली अभी इसके हिसाब से नहीं पढ़ा, मैंने न्यूज में पढ़ा था इसीलिए डाल, तो वो सुलेमान को जो मारा गया ना, वो ईरान में बहुत ही रेस्पेक्टेड है, जो हिजबुल्ला और इन सब का सबको वो संभाले हुए था, हमास उमास को सबको, लेकिन फिर उसके 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 लिए बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी फिर उठ गई, और यूएस फिर उससे पहले जो है यूएस जो है ईरान के न्यूक्लियर वाला जो है ना न्यूक्लियर उससे पैक्ट से जो है उससे भी एग्जिट कर गया, आपको जे कॉप बोलते हैं ना उसको, ज्वाइंट ऐसा करके है, उसको ध्यान रखिएगा, उसका भी फुल फॉर्म है एक्शन प्लान करके, JCAOP करके है, उस एक्शन प्लान में कौन कौन से देश देख लीजिएगा, तो ईरान जो है उसका वो है, उससे यूएस बाहर निकल गया, फिर यूएस ने ये स्ट्रेटेजी अपनाया कि जो है, तो लोग कह रहा है कि ये कोई युद्ध नहीं हुआ है, ये तो सीधे सीधे असैसिनेशन है, ये न्यूज में रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त न्यूज बनी थी इस बारे में लेकर, इसमें आप भारत के पर्सपेक्टिव से देखिए तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है अगर इसराइल का जो है रिलेशनशिप बाकी कंट्री से नॉर्मलाइज होता है तो इसमें भारत को कोई दिक्कत नहीं है, भारत के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो जो है मल्टीलेटरल वो एग्रीमेंट्स में और इस तरह से मध्यस्थता भी कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर, और सबसे अच्छी बात यह कि इसराइल और अरब कंट्रीज से अगर उसका आपस में समझौता हो गया तो हिंदुस्तान के तो दोनों ही दोस्त हैं, ठीक है, दोनों ही जो है दोनों से ही संबंध जो है उसका रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है एक ऑयल इम्पोर्ट्स वगैरह की बात हो गई, और सबसे दूसरे महत्व पर तुरंत आता है कि इंडियन डायस्पोरा जो है भारत के जो लोग हैं जो वहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं जो वहां पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कमाई धमाई कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो वहां जाके कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से भी आप जानते हैं कि कुवैत वगैरह से जो है वो उस पर मूवी भी बना दी गई है, एयरलिफ्ट करके अक्षय कुमार जी ने एक मूवी भी बनाई हुई है, तो कुवैत में उसकी शूटिंग हुई थी, तो 1990 में कुवैत में हुआ, फिर इस प्रकार से अलग अलग समय पर इस तरह की सिचुएशन संकट आने पर होती रही, तो इंडियन डायस्पोरा के हिसाब से भी आपको वो चीज को ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा ये पढ़ते समय, एक ये एंगल भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ ज्योग्राफी में, एक चीज और बता देता हूँ जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो है यहाँ इस इलाके में जो मेडिटेरेनियन वाला इलाका है उसमें 3 C है लगातार पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कई बार पूछ लेता है दूसरे दूसरे तरीके से, थोड़ा सा ऊपर जाके यूरोपियन साइड में जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो आना चाहिए, ये जो इलाका है इसमें बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इसका सीक्वेंस क्या है, मैं चाहता हूँ ये आपको ध्यान रहे, कंट्रीज भी देख लीजिएगा अगल बगल की, लेकिन सीक्वेंस आप रखिए, देखिए सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ब्लैक सी है ना, उसके नीचे एजियन सी है, और एजियन सी के नीचे जो है फिर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, देखो क्या है ब्लैक, देखो क्या है, अब देखो सवाल क्या बनेगा, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कितने देश छूते हैं, अब देखो ब्लैक सी को ऐसे ही सवाल बनते बता रहा हूँ, आप ब्लैक सी को देखिए कि कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है, जस्ट सी सेम वे सी मेडिटेरेनियन सी कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है, अगेन सी मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी किसी एक प्लेस को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, जो इस्तांबुल है वो कहां पे है, ठीक है, आप इस मैप को देखिए, इस मैप को आंखों से पीजिए आप, सही बात, इसको बार बार देखिए, उसी में से सवाल निकालिए, हम जितने सवाल निकाल रहे हैं उसने उससे 4 गुना सवाल और बन सकते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट द मैप विद केयरफुल आईज आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, मेरी सलाह सिर्फ यही है कि आप जो मैप देखो उस मैप को सिर्फ जितना शोर बता रहे उतना मत देखो, क्योंकि एक क्लास की लिमिटेशन उसके बियॉन्ड जाके देखने की कोशिश करो, थैंक यू सर। वो जो है वो मोहसिन करके नाम था उनका, अचानक मुझे याद आया मोहसिन, आप इस नाम से ढूंढिएगा मोहसिन, और आगे एफ था फकीर या कुछ ऐसे था, ठीक है, मुझे कई बार नहीं याद आता है, कुछ समय पहले पढ़ा था मैंने, मोहसिन फकीर करके था जिसका असैसिनेशन सुलेमान का तो थोड़ा पहले हुआ था, उसके बाद मोहसिन फकीर हुसैन या ऐसे कुछ नाम, यस वो आप एक बार देख, मोहसिन फकीर ज्यादा थे सर, वो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे, यस यस उनकी हत्या कर दी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो ये एक पार्ट हो गया, और
अब्राहम अकॉर्ड अच्छे से समझ लीजिएगा, इसराइल और यूएई, यूएई और इसराइल के बीच में यह हुआ है अब्राहम अकॉर्ड, रिलेशनशिप को नॉर्मलाइजेशन करने का प्रयास है और यही बढ़ता हुआ नया ट्रेंड है जो कभी इससे पहले नहीं देखा गया है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, टर्की में जो अपहीवल हुआ है वो भी ध्यान रखिएगा, टर्की में एक बहुत फंडामेंटल चेंज टर्की में आया है इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। टर्की पहले सेक्युलर हुआ करता था, आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए टर्की एक सेक्युलर राष्ट्र था, लेकिन फिर वो जो है वो पॉलिटिकल इस्लामिज्म की तरफ जो है वो कूद गया है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा ठीक से। बाकी कोई खास बात और तो नहीं दिख रही है, एक गोल्डन क्रेसेंट पूछ सकता है आपसे। टर्की के मामले को आप इतिहास से जोड़ कर देखिए, जो खिलाफत आंदोलन था उससे आप जोड़ कर देखिए, मुस्तफा कमाल पाशा से जोड़ के देखिए, जो खिलाफत आंदोलन था उस पर आरोप लगाया जाता है, कहा जाता है कि कांग्रेस ने या गांधी जी ने धर्म के मुद्दे को, जिसका देश से कोई संबंध नहीं था, उसको राजनीति में ले आके धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ समझौता किया। वही जब मुस्तफा कमाल पाशा वापस आते हैं तो उन्होंने पूरी तरह से एक धर्म निरपेक्ष संप्रदाय की स्थापना वहां कर दी और जो खिलाफत का मुद्दा है वो खत्म हो गया। और मुस्तफा कमाल पाशा ने ये वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर है, जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री पढ़ते तो लोग देखते हैं, उसी सीरीज में आप ये शौर्य की बात समझने की कोशिश करिए कि जो टर्की एक बार धार्मिक था, धर्म निरपेक्ष हुआ, वो फिर धर्म की ओर किस तरह बढ़ रहा है, तो आप इस डेवलपमेंट को देखने की कोशिश करिए। थैंक यू सर। एक छोटी सी और जानकारी है जो थोड़ा स्ट्राइकिंग है कि लेबनान ही एक ऐसा देश है, लेबनान जिसमें 50% के करीब मुस्लिम और 50% के करीब क्रिश्चियन है, लेबनान के अलावा बाकी सब मुस्लिम डोमिनेटेड ही है, एक लेबनान एकमात्र ऊपर का कंट्री है जिसमें जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाबहार पोर्ट के बारे में खूब अच्छे से समझ लीजिएगा उस चीज को, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, इंडिया का गेटवे है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए, इसलिए उसको आप हमेशा देखते रहिएगा। 1 करोड़ के करीब इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो गल्फ में कंट्रीज में रहते हैं, वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं। 1990 में कुवैत और 2011 में लीबिया, दो जगह से इवैक्यूएशन करके अपने लोगों को लाया है भारत, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। वो जो भारत की जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो पॉलिसी बनती है उसमें चाबहार पोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट अवयव होता है। It's a very important point of the Chabahar Port when India makes a policy with Afghanistan and Iran. So Chabahar Port, हमने आपको पढ़ाया भी, अगर आप याद करो इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको आप फिर से देखो कैसे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में काम आ सकता है। Thank you. सर, और एक लास्ट चीज जो मैं समझता हूँ कि वो भी आपको इसी बहाने देख लीजिए ज्योग्राफी के नाम पे, वो ये, अच्छा हाँ वो ये रह गया, ये इसको याद रखिएगा, ब्लैक सी के नीचे आता है सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी हो गया। ठीक है, और ब्लैक सी और सियो मारमरा के नीचे एजियन सी के नीचे मेडिटेरेनियन सी, तो एक तो ये क्रम मालूम होना चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऊपर जो ब्लैक सी है और नीचे जो मारमरा है उसके बीच का जो ये है बॉस्फोरस कहलाता है, वो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये जो जहाँ ये देख रहे हैं ये वाला जो इलाका है ये बॉस्फोरस है, और जो मारमरा सी है और उसके नीचे जो एजियन सी की तरफ जा रहे हैं वो जो है डार्डनलीज कहलाता है। ठीक है, उसको डार्डनलीज बोलते हैं, ये डार्डनलीज है और ऊपर जो है वो बॉस्फोरस है, तो कई बार क्रम पूछ ले या कुछ ऐसा पूछ ले तो कंफ्यूज ना होइएगा, बस ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ, तो जल्दी से बता देता हूँ लास्ट की जो 4-5 चीजें मुझे लगी जो मैंने नोट भी की है कि वो आपको मालूम होना चाहिए भाई, वो ये है कि वहां पर कुछ लोग अपना संगठन भी बनाए हुए है ना, तो वो 3-4 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूर पढ़ लिया जाए आप लोग बहुत अच्छे से। एक पढ़ लीजिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि रियाद में जिसका कि मुख्यालय भी है, जो 6 लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ सहयोग परिषद ऐसा कुछ होगा, ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद ऐसा कुछ नाम होगा। ठीक है, उसमें ईरान और इराक नहीं है, बड़ी कंट्रीज, दो बड़ी कंट्रीज जो है गायब उससे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है ओपेक, OPEC, ओपेक जो तेल निर्यात करने वाली कंट्रीज का एक समूह, आपको ध्यान होगा जब यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहा था ना बहुत ज्यादा, तो फिर ये लोग जो है अपना एक गुट बना लिया था और ऑयल प्राइसेस को हाई कर लिया था गुटबाजी कर, ओपेक जो है, और अब ओपेक प्लस आ गया है, तो ओपेक से ओपेक प्लस में क्या परिवर्तन हुआ है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ओपेक कंट्रीज यहीं तक सीमित नहीं है, ये जरूर जाने रहिएगा ओपेक कंट्रीज में, यहाँ फिर अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और साउथ अमेरिका के भी दो कंट्रीज रहे, एक वेनेजुएला था और इक्वेडोर था,
जिसमें से इक्वेडोर विड्रॉ कर गया है रिसेंटली, ये ध्यान रखिएगा, इक्वेडोर विड्रॉ कर गया, सिर्फ वेनेजुएला बचा है, मैं ऐसा मुझे याद आ रहा है, आप इसको ठीक से ध्यान देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर 2019 में ये न्यूज में एक चीज थी, जल्दी से बता रहा हूं, अरामको, ARAMCO, अरामको कंपनी है, बहुत बड़ी ऑयल की कंपनी है, ठीक है, हाँ, तो उस पर अटैक हो गया था, ठीक है, खुरैस, यही नाम मुझे नहीं याद आ रहा था, KHURAIS, खुरैस ऑयल फील्ड में जो है ये काम कर रही थी, उस पर अटैक कर दिया गया था, हाउदीज ने जो है अटैक कर दिया था इस पर, हाउदी ग्रुप जो है, जैसे हिजबुल्ला है उसे हाउदी ग्रुप भी है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस्लामिक स्टेट का यहाँ पर बड़ा प्रकोप रहा है, जानते होंगे आप लोग, इस्लामिक स्टेट जो है 2011 से 2017 तक खूब डोमिनेट किया, लेकिन अब बहुत छोटे से एरिया तक समट गया है, सब लोग बाकी दोस्त लोग जो है अटैक कर करके उसको कम कर दिया है। एक पामीरा, PALMYRA, पामीरा एरिया है, उसके बारे में भी, पामीरा के बारे में भी देख लीजिएगा आप ठीक से, और मुझे लगता है हम कह सकते हैं कि हम काफी हद तक हम लोगों ने इसको जितना कर सकते थे उतना अब हम कह सकते हैं कि कर लिया है, कोई टेंशन का बात नहीं, बार बार मैप देखते रहिएगा तो हो जाएगा, कोई और प्रश्न अगर दिमाग में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस वाली क्लास को अभी विराम देते हैं, लेस देन वन मिनट बचा हुआ है, थोड़ी देर में 10 मिनट का ब्रेक लेके वापस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ओके सर।